हेलो और नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालात और नाजुक कर दिए हैं। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। कोरोना के दैनिक मामलों में आई भारी गिरावट, पिछले 24 घंटे में सामने आए 10,584 नए मरीज। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 10,584 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,16,434 हो गई है। वहीं इस दौरान 78 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,463 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,12,665 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 13,255 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना के बढ़ते केस में बीएमसी अलर्ट अगले 12 दिन मुंबई के लिए बेहद अहम। जी हां, महाराष्ट्र खासकर राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस की महामारी एक बार फिर बेलगाम होती दिख रही है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने एक खास बातचीत में एसिम्प्टोमेटिक यानी बगैर लक्षण वाले लोगों को बिना मास्क वालों की तुलना में अधिक खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगले 12 दिन महत्वपूर्ण है। बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि हम सख्त होंगे। शादी पार्टियों में नियमों का उल्लंघन होने पर दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शादी पार्टी में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि लोगों से हाथ जोड़कर सहयोग करने की अपील करता हूं। संभव है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हों। कोरोना नवंबर के बाद भारत में सबसे ज्यादा केस, जोधपुर में महीने भर के लिए कर्फ्यू। जी हां, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 मार्च तक धारा 144 लगा दी है। शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए 100 लोगों की संख्या तय कर दी गई है। केवल आवश्यक जरूरत के सामान की दुकानें, स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। जोधपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है। उधर मध्य प्रदेश ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोस के जिलों से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने का फैसला लिया है। वैक्सीन के बाद अब कोरोना की दवा मिलने की बड़ी उम्मीद। दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल हुआ पूरा। देश और दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ पहली दवा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जी हां, PNB वेस्पर लाइफ साइंसेज ने अपनी कोरोना की दवा PNB-001 JPP बालाडोल के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही सरकार से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगेंगी। कोची स्थित इस कंपनी की प्रयोगशाला इंग्लैंड में है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि पिछले साल नवंबर में दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ था। 40 मरीजों पर यह परीक्षण किया गया। अब कोरोना का नया स्ट्रेन बन रहा खतरा, इस 7 लक्षणों से रहे सावधान। जी हां, एक तरफ जहां भारत में COVID-19 से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है, तो वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। जी हां, ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। नए स्ट्रेन के लक्षण भी पुराने कोरोना वायरस से कुछ अलग पाए गए हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने नए स्ट्रेन के 7 अहम लक्षणों के बारे में बताया है। शरीर में दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, आँख आना, सिरदर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेस पड़ना, पैर की उंगलियों का रंग बिगड़ना कोरोना के नए स्ट्रेन के मुख्य लक्षण हैं। कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने भी इसकी पुष्टि की है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। और इसी तरीके से आपके लिए हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।